नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि कानून के निरसन विधेयक का 2021 को पेश किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिसके कुछ ही देर में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आपको ये बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। वो तो कहा कि बीमारी थी, उसका बीमारी कट गई। आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाए जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पीच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर नहीं जाना चाहती? व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन यहीं तक खत्म हो रहा? भाई बैरिकेडिंग का बताओ बुझो। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे क्या? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो जाए, अभी क्या पता कितने में हो जाए। गोलमोल जवाब दे रहे हैं भाई। निशाना ताना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा वापसी होनी से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। तो राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। गोलमोल जवाब के साथ में सीधे सख्त तेवर, उन्होंने कहा कि एमएसपी भी एक बड़ा मसला है, बड़ी बीमारी है जिसका समाधान निकलना चाहिए। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। फोनलाइन पर स्पर्श हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, हैदर अली साथ में लखनऊ का रुख करेंगे जहां से अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन तीनों जगहों से ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है ये जानना बेहद जरूरी है। अनूप का रुख करते हैं सबसे पहले, चलिए हैदर का रुख करेंगे। गाजियाबाद से हैदर जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? क्योंकि विधेयक तो पटल पर रखा जा चुका है, लेकिन विधेयक के पीछे भी कुछ सिविलियंस हैं जो हंगामा कर रहे हैं कि क्षेत्र खाली कर दिया जाए। दूसरी तरफ किसान है वो डटे हुए, उन्होंने कहा कि एमएसपी भी एक बड़ा मसला है। देखिए पूजा, अगर बात की जाए तो जहां संसद सत्र में आज हंगामा हुआ है विपक्ष का, विपक्ष कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार को घेरना चाहता था इस मुद्दे पर। लेकिन मोदी जी के संबोधन के बाद उनका कहीं ना कहीं ये राजनीति रोटी जो सेकना चाह रहे थे वो खत्म हो गया, और यही वजह है कि संसद सत्र में आज उन्होंने हंगामा किया है विपक्ष ने और सरकार को घेरना चाहती है। हालांकि सरकार ने इतने विरोध के बाद भी ये विपक्ष ने ये वापस लेने का पारित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा किया है जो विपक्षियों ने एमएसपी को कानून को लेकर। जब हमने इस बारे में राकेश टिकैत से बात की तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी और अन्य मुद्दों पर बैठकर बात नहीं करेगी और उनका भी कोई गारंटी कानून नहीं बनेगा, इसके अलावा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी आई हुई थी। अब मुझे एक बात बता दूं आपको मैं, तो एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। जहाँ एक तरफ संसद सत्र में हंगामा हो रहा है, 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, वहीं दिल्ली पुलिस आती है के टिकट से पूछती है कि क्या आप 4 तारीख से पहले पहले दिल्ली ट्रैक्टर रैली लेके जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। जब राकेश टिकट इस बारे में बता रहे थे तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेती है हम उसका आदर करते हैं और उसी को मानते हैं। वही उन्होंने हमसे भी बात करते हुए बताया कि हमारा ये आंदोलन अभी हटने वाला नहीं है। राकेश टिकैत साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस तो ले लिए गए लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, जो 750 किसान मारे गए उनका मुआवजा वापस उनका मुआवजा नहीं मिलेगा, और इसके अलावा जो और अन्य है जो ट्रैक्टर वगैरह है उसको लेकर भी 10 साल की ट्रैक्टर की वैलिडिटी उसको बढ़ाने की। हैदर, ग्राउंड जीरो की क्या स्थितियां हैं गाजियाबाद से वो स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। स्पर्श हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्पर्श, संसद भवन के बाहर किस तरीके की स्थितियां देखने को मिली, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा विरोध भी है। देखिए पूजा, अगर हम बात करें संसद में जिस तरीके से ये ध्वनि मत से आज जो विधेयक है वो पारित हुआ, इसके बाद विपक्ष जो है जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया था। विपक्ष लगातार चर्चा करने की जो मांग है वो इस मसले पर करता जो कोशिश है वो कर रहा था। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है आज चर्चा से कहीं ना कहीं जो है भागती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी नेताओं के इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो 2 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में ये जो विधेयक है आज के कृषि कानूनों को निरस्त करने का वो जो है पास हो चुका है।
चुका है। अब जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, हो सकता है कि आज के ही दिन जो है राज्यसभा में भी जो है ये जो कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक है उसको जो है लाया जाए और उसको भी जो है आज ही जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा में पास करा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ का रुख करते हैं, अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, राजधानी में कैसा माहौल है, क्योंकि आज का जो दिन है वो किसानों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पूजा जी, जब सूचना आई दिल्ली से कि जो विधेयक जो जिस तरीके से तीन कानूनों का था वो लोकसभा में वापस ले लिया गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक जो राहत भरी जो सांस थी, जो कह रहे थे कि जब जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया एक सदन से पारित हुआ था कानून वहां वापस लिया जाएगा तभी वहां से हटेंगे। कुछ किसान नेता हमारे साथ में है, मैं उनसे बात करूंगा। देवेंद्र जी, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि वापस करेंगे, आप अपने वादे पर खरे उतर रहे, अब आगे का क्या प्लान है आपका? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया चैनल वालों को और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो कहा था वो किया। अब हम किसानों के लिए जो बिल था, जो वापसी को लेकर बड़ा संशयपूर्ण था, लगातार सालों से उसमें संघर्ष चल रहा था, वो पुनः समाप्त होना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जो कहा है आज तक अब तक वो उन्होंने पूरी तरह से किया है। हम लोग भी जो किसान आंदोलन था उसमें 27-28 दिन बॉर्डर पे रहे, लेकिन वहाँ कुछ कारणों बस हम लोग वहाँ से हटना पड़ा हम लोगों को, और मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, देश का ये सौभाग्य है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश हित के काम कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो हम लोग पढ़ाई में भी नहीं सोच पाते थे कि क्या ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और उन्होंने बिल वापस कर लिए हैं। कुछ किसान के संगठन है वो अभी भी वहाँ पर धरने पर हैं, कुछ और मांगे हैं एमएसपी को लेकर के, उनको क्या वो संगठन हटेंगे या आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप भी किसान संगठन हैं? मैं पूरी तरह से सभी संगठनों से भी कहना चाहता हूँ, मैंने तो उसी दिन से वहाँ से सबको हटा दिया था जिस दिन से घोषणा हुई थी, आज मैं सभी संगठनों से कहता हूँ कि वो लोग भी अब प्रधानमंत्री जी की बात समझें, और ये जो लगातार ये जो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं वो किसान नेता उनको नहीं कह सकते, वो राजनीतिक लाभ के लिए बैठे, जब तीन बिलों को लेकर हम लोग गए और ठीक है। अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो किसानों का अपना रुख है, सरकार का अपना रुख, सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से इस मामले को रफा दफा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। पत्री के रामकोला में एक वैवाहिक कार्यक्रम में आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक सवाल से राजा भैया की पार्टी जन सत्ता दल लोकतांत्रिक से गठबंधन की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। मीडियाकर्मियों ने जब राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाले अंदाज में कहा, ये कौन है ये राजा भैया। पत्रकारों ने सपा से राजा भैया की दूरी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल दागा था, उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। अखिलेश यादव की बेबाकी ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दिग्गज सपाइयों को भी हैरत में डाल दिया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भी चुनाव के मौके पर करीब आने वालों को दूर रखने का साफ संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झंगहा क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग करी और चाचा भतीजे की मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में दो लड़कियों समेत तीन लोग घायल हो गए, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना के बाद आरोपी परिवार सहित घर छोड़कर फरार हो गए। घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ 6 टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। वाराणसी में स्कूल में क्लास 3 दिन के मासूम से रेप के 48 घंटे भी नहीं बीते थे और 6 साल की बच्ची फिर से दरिंदगी का शिकार हो गई है। सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में 6 साल की मासूम से पड़ोस के 27 साल के युवक ने दुराचार की घटना को अंजाम दिया। बच्ची ने परिजनों से शिकायत की, इसके बाद आरोपित भाग निकला। देर शाम तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। युवक के परिजनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मगर पहुंचे एडीसीपी वरुणा प्रबल प्रताप सिंह ने बच्ची और परिजनों से बात करी, कहा कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ में सतर्कता बढ़ाई जा रही है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात बैठक बुलाते हुए सावधानियों से जुड़े हुए निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि नए वेरिएंट का संक्रमण अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ है, इसलिए हमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट पर ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी ताकि ये वेरिएंट हमारे यहां ना फैले। नया वेरिएंट विशेषज्ञों के अनुसार 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के
क्रोम ऑर्बिट लोगों को ज्यादातर प्रभावित करेगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि इस वेरिएंट को जनपद में फैलने से रोकना होगा। जिलाधिकारी की ओर से बैठक में ये तमाम निर्देश दिए गए। जलालाबाद से मिर्जापुर को जोड़ने वाली रामगंगा नदी पर बना कोलघाट का पुल गिर गया है, जिससे इस मार्ग का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। शाहजहांपुर दिल्ली मार्ग पर 2002 में करीबन 11 करोड़ से रामगंगा नदी पर कोलाघाट पुल बनाने को मंजूरी मिली थी। पुल की हालत देखकर कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने इसको लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। करीबन 3 बजे पुल भरभरा कर रामगंगा नदी में गिर गया, जहां पर बड़ा हादसा होने से बच गया है। जानकारी मिलने के बाद जलालाबाद और मिर्जापुर पुलिस को ये जानकारी लगी तो मौके पर जाकर वाहनों को डायवर्ट कराना शुरू किया गया। जलालाबाद जाने के लिए करीबन 60 किलोमीटर का फेर खाकर अल्लागंज होकर जाना पड़ रहा है। गोरखपुर जिले में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और SSP से कहा कि जन सुनवाई पर विशेष फोकस कीजिए, इससे लोगों को न्याय मिलेगा और लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी होगा। सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का जनता दरबार हिंदू सेवाश्रम में लगाया गया था, जहां पर करीबन 200 लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी है। जनता दरबार में सीएम ने 100 लोगों से अपने कार्यालय के पास मुलाकात करी। जनता दरबार में आए ज्यादातर मामले भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े हुए होने के कारण सीएम ने तुरंत डीएम और SSP से बात करी। पापा मऊ के गोरी गांव में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का खुलासा प्रयागराज पुलिस की ओर से कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ADG जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि पवन कुमार सरोज पुत्र राम कुमार निवासी फरवई ने एक तरफा प्यार में युवती के साथ रेप करते हुए उसकी हत्या कर दी। इससे पूर्व उसने युवती के मां बाप और भाई को भी मौत के घाट उतारा था। पवन ने कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की बात को भी स्वीकार किया है। ADG जोन ने बताया कि पवन सरोज की ओर से लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा था, लड़की को मैसेज भेजे जा रहे थे, लड़की की ओर से उसकी अस्वीकार किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और परिस्थिति जन्य सबूत के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में घंटाघर मार्केट में नाली की सिल्ट निकालने को लेकर नाराज व्यापारियों ने नगरपालिका के कर्मचारियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों और नगरपालिका कर्मचारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और पुलिस बंधक बनाए जाने वाले आरोपों को निराधार भी बताया है। सहारनपुर के ताहारपुर गांव में हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे को झुलस जाने की खबर है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कानपुर के नवाबगंज स्थित VSSD कॉलेज में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मथुरा के कृष्णानगर चौकी के सामने अचानक आग लग गई, जिससे कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। कासगंज की कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए कुल 13 जुआरियों और सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, साथ ही मौके से कुल 10,500 रुपए की नकदी और जुआ सट्टा खेलने वाली सामग्री भी बरामद करी है। कासगंज में देर रात अज्ञात चोरों ने किराने की दुकान की पीछे की दीवार तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया और दुकान से लगभग 8 लाख नकद सहित हजारों रुपए का सामान चोरी करके रफूचक्कर हो गए। आगरा के मलपुरा में 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे कि एक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे भीषण आग लग गई, जिससे कि आवासीय कॉलोनी में भगदड़ मच गई। तो वहीं दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कवायद तेज हुई। आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र के राजस्थान बॉर्डर के पास जा रही चेकिंग के दौरान खनन माफिया 2 ट्रैक्टर को छोड़कर रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खनन वाणिज्य और राजस्व विभागों को रिपोर्ट सौंपी है। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में मनबड़ों ने एक ही परिवार के 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं एक युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। आगरा में बड़े पैमाने पर सब इंस्पेक्टरों के तबादले हुए। SSP सुधीर कुमार सिंह ने 49 चौकी प्रभारियों समेत 120 सब इंस्पेक्टरों की तैनाती में तब्दीलियां की हैं। एक साथ इतने SI के ट्रांसफर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मारुति शोरूम के पास में स्कॉर्पियो सवार सात और आठ युवकों ने डिवाइडर पार कर रहे युवक को जमकर पीटा। युवक की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए, तो वहीं पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई है। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र में मकान के अंदर भीषण आग लगी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना करी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा के पिनाहड़ क्षेत्र में चंबल नहर का माइनर अचानक से फूटने से किसानों की बोई हुई सरसों गेहूं और सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने नहर विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में घर से भागकर सजातीय प्रेमी युगल की बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती की जिद को देखते हुए परिजनों की सहमति से उनकी थाने में ही शादी करा दी और आपसी समझ से घर से चलाने की हिदायत दी है। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में दबंग की ब्लैकमेलिंग से परेशान व्यापारी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के पैजगंज थाना क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के ऑफिस में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को इत्तला करी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में बस चालक और ऑटो चालक के बीच सड़क पर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में बाजार से लौट रही महिला का दबंगों ने अपहरण कर लिया और अगले दिन महिला खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की है। एटा के जैथरा थाना क्षेत्र में जंगलों में चल रही अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर पुलिस की छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं छापेमारी के दौरान 5000 लीटर शराब बनाने का लाहन भी नष्ट हुआ है। इटावा के ऐतिहासिक नुमाइश महोत्सव में विधिवत रूप से डीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाकर झंडारोहण करते नजर आए। इस मौके पर डीएम श्रुति सिंह ने कहा कि कोरोना काल के बाद नुमाइश इस साल की तरह हर साल की तरह इस बार भी हो रही है। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र विद्यालय गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन उन्हें गंदा खाना देता है और सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती। इसके साथ ही न ही खेल का मैदान है और न ही चिकित्सा व्यवस्था। भगवान कृष्ण की नगरी में पिछले 24 घंटे में माहौल काफी गर्मा गया। दरअसल एक दक्षिणपंथी संगठन ने मथुरा के शाही मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करने का ऐलान किया है। संगठन 6 दिसंबर को शाही मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करेगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर की तारीख वही तारीख है जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करने की घोषणा के बाद शाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कड़े इंतजाम का पालन करते हुए प्रशासन ने पूरे मथुरा जिले में धारा 144 लागू कर दी है। लखनऊ में हेलो राइड कंपनी के एक और डायरेक्टर अभय कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीबन 10,000 निवेशकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में उसकी तलाशी चल रही थी। इसके बाद उसके खिलाफ विभूतिखंड थाने में 34 मुकदमे भी दर्ज हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।